तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं थ्रेड्स ऐप नॉट वर्किंग। मतलब यह है कि अगर आपका थ्रेड्स ऐप ओपन नहीं हो रहा है, आपका थ्रेड्स ऐप नहीं चल रहा है, तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। और मेरा जो थ्रेड्स ऐप है वो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा थ्रेड्स ऐप है नहीं चल रहा है, तो इसको कैसे ठीक करना है चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है थ्रेड्स। थ्रेड्स टाइप करेंगे, सर्च कर देंगे और सर्च करने के बाद आपको देखना है कि अगर आपके थ्रेड्स ऐप में कोई अपडेट आया है तो आपको अपने थ्रेड्स ऐप को अपडेट कर लेना है। तो थ्रेड्स ऐप यहाँ पर मेरा ऑलरेडी अपडेट है, आपको भी देख लेना है। तो अगर आपका थ्रेड्स ऐप अपडेट है फिर भी आपका थ्रेड्स ऐप काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, उसके लिए अब आप क्या करेंगे, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में इंटरनेट को चेक करना है कि आपका इंटरनेट ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद भी आपका थ्रेड्स ऐप काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड को ऑन करना है। फ्लाइट मोड को ऑन करेंगे तो आपको कुछ समय तक वेट करना है और कुछ समय के बाद आपको इसको ऑफ करेंगे तो आपके फ़ोन के नेटवर्क रिफ्रेश होकर आएंगे। मतलब जो भी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी और फिर आपको अपने थ्रेड्स ऐप को ओपन करना है। फिर भी अगर आपका थ्रेड्स ऐप नहीं चलता है तब आपको क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स एंड परमिशन। हो सकता है आपके फ़ोन में ऐप्स रिलेटेड हो तो जो भी ऐप्स रिलेटेड है वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में मिलेगा ऐप मैनेजर, ऐप मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। ऐप मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने अपने फ़ोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा होगा वो सब यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको थ्रेड्स ऐप को ढूंढ लेना है। तो चलिए फटाफट से थ्रेड्स ऐप को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद आपको थ्रेड्स ऐप पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोरेज, स्टोरेज पर आपको क्लिक करना है। स्टोरेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लियर डाटा, क्लियर कैच। सिंपली आपको इसका क्लियर डाटा कर देना है। क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको बैग आना है और बैग आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डाटा यूजेज। तो सिंपली आपको डाटा यूजेज पर एक बार क्लिक करना है। डाटा यूजेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि जिस सिम से आप इंटरनेट चलाते हैं आपका उस सिम का डाटा ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। तो मेरा सिम वन का डाटा यहाँ पर ऑन है, आपको इन तीनों ऑप्शन को एनेबल करना है। अगर आपकी तीनों ऑप्शन डिसेबल है तो आपको इस तरीके से इनको एनेबल करना है। ये हमारे जो तीनों ऑप्शन है एनेबल हो चुके हैं, मतलब जिस सिम से भी हम इंटरनेट चलाएंगे तो हमारा जो थ्रेड्स ऐप है उसमें हमारा इंटरनेट चलेगा। आपको ये सेटिंग कर लेनी है। ये सेटिंग करने के बाद आपको अपने थ्रेड्स ऐप को ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। पहले आपको जो थ्रेड्स ऐप नहीं चल रहा था उसके बाद आप इस सेटिंग को कर लेंगे तो आपका थ्रेड्स ऐप चलने लगेगा और जो भी आपके थ्रेड्स ऐप में नॉट वर्किंग या फिर ओपन प्रॉब्लम होगी सब सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी जो है थ्रेड्स ऐप में ओपन प्रॉब्लम, नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।